ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद दुनिया एक बार फिर तीसरी जंग के मुहाने पर मानो आकर खड़ी हो गई है। अपने राष्ट्रपति की मौत के बाद ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है। अमेरिका पूरे मामले पर खामोश है। वहीं भारत ने कहा है कि भारत ईरान की दोस्ती में रईसी की जो भूमिका है वो बड़ी रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश की यह घटना कोई साजिश है या फिर हादसा, ये अब तक साफ नहीं है। इस बीच इसराइल की भूमिका को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। घटना के बाद इसराइली न्यूज एजेंसी कान ने यह दावा करते हुए कहा कि किसी के बचने की कोई संभावना नहीं है, और इसके बाद इसराइल पर शक और बढ़ गया। दुश्मनी, साजिश, षड्यंत्र, धोखा, गद्दारी, बदला, विश्वासघात, हत्या, हादसा। इब्राहिम रईसी की मौत की मिस्ट्री क्या? आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी खादिम रज़ा अलैहि सलाम। क्यों गिरा रईसी का हेलीकॉप्टर? कैसे हुई रईसी की मौत? जलने से, चोट लगने से या वजह कुछ और रही? रईसी की मौत की गुत्थी सुलझाने में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट जुटे हैं, लिहाजा यह समझना बहुत जरूरी है कि रईसी की मौत सिर्फ हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से हुई या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर इस वक्त दुनिया भर में कई थ्योरी चल रही है और हर थ्योरी के पीछे कारण गिनाए जा रहे हैं। हम उन पांच बड़ी थ्योरी को दिखाने जा रहे हैं जिसमें रईसी की मौत की वजह का ए टू जेड जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले वो पांच सवाल जो साजिश और शंका की गुंजाइश पैदा करते हैं। पहला सवाल, बेल 212 हेलीकॉप्टर से सफर क्यों? दूसरा, लंबी फ्लाइट के लिए MI-17 से क्यों नहीं गए? तीसरा सवाल, ईरान के खिलाफ दुश्मन ने बड़ी साजिश रची? चौथा सवाल, खराब मौसम की जानकारी थी फिर क्यों टेक ऑफ? और पांचवा सवाल, लेकिन सबसे बड़ा, कि कहीं इंटरनेशनल या फिर इंटरनल साजिश के शिकार तो नहीं हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी? इन सवालों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो फिर पूरी दुनिया के सामने नया और एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस संकट की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी उन थ्योरी को देखते हैं जो रईसी की रहस्यमयी मौत से पर्दा उठाएगी। साजिश की थ्योरी नंबर एक। एक बेहद सामान्य लेकिन बहुत मजबूत सवाल उठ रहा है कि मौसम खराब था, कोहरा था, धुंध थी, लेकिन फिर भी रईसी का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ क्यों हुआ? इसे एनिमेशन के जरिए समझते हैं। रईसी के काफिले में 1, 2, 3 हेलीकॉप्टर थे। मौसम तीनों के लिए समान था, लेकिन दो हेलीकॉप्टर सामान्य लैंडिंग करने में सफल रहे और रईसी वाला हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। सवाल है कैसे? क्या पायलट से कोई गलती हुई या हेलीकॉप्टर में ऐसा कोई डिवाइस फिट किया गया था जिसकी वजह से क्रैश हुआ? इस सवाल की तह तक जाने के लिए अजरबैजान से ईरान के रिश्ते को समझना होगा जहां से रईसी का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ। अजरबैजान ईरान की तरह ही शिया बहुल देश है, लेकिन अजरबैजान के रिश्ते ईरान से ज्यादा इसराइल से मजबूत रहे हैं।
इसके पीछे की वजह है आर्मेनिया से अजरबैजान की दुश्मनी, जिसकी वजह है सीमा विवाद। इस मुद्दे पर इसराइल अजरबैजान का साथ देता रहा है, जबकि ईरान सीमा परिवर्तन का समर्थन नहीं करता। और यही सामने आती है साजिश की थ्योरी नंबर दो। अजरबैजान से रईसी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। हेलीकॉप्टर के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेल कंडीशन में था, यानी किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत या परेशानी हेलीकॉप्टर में नहीं थी। तो फिर क्रैश कैसे हो गया? रईसी की मौत का ईएमपी कनेक्शन। ईएमपी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कैनन से निकली तरंगों का इस्तेमाल करता है। ये एक सुपर शक्तिशाली माइक्रोवेव सिस्टम का उपयोग करता है। ईएमपी से निकली ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ड्रोन में वोल्टेज वृद्धि का कारण बनती है। इससे पहले कि ड्रोन या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने तापमान को नियंत्रित कर सके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन उसे बेकार बना देता है। तो क्या अजरबैजान में रईसी के हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के पहले उसमें ईएमपी फिट किया गया, या ईएमपी के जरिए हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया गया? ईरान की बढ़ती ताकत पश्चिम देशों से लेकर अमेरिका और इसराइल तक के लिए परेशानी का कारण रही है। यूक्रेन युद्ध में रूस को ईरान के ड्रोन सप्लाई की वजह, परमाणु शक्ति का संवर्धन वो कारण है जिसकी वजह से नेटो ताकतें बहुत तनाव में रही हैं। लिहाजा ये भी शंका पैदा हो रही है कि कहीं रईसी की मौत का कारण पश्चिमी देशों में रची गई कोई साजिश तो नहीं है। साजिश की थ्योरी नंबर थी, मध्य पूर्व में ईरान बड़ी शक्ति है और इब्राहिम रईसी इस शक्ति का केंद्र थे। एक ऐसा नेता जिसका अमेरिका घनघोर विरोधी रहा है। रईसी पर अमेरिका प्रतिबंध भी लगा चुका था। ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण टेंशन में भी रहता था, क्योंकि मुल्क की तरक्की में ये प्रतिबंध बहुत बड़ी बाधा है। रईसी के नहीं होने पर अमेरिका या पश्चिमी ताकतें मिडिल ईस्ट में खुलकर खेल सकती हैं। 2020 में ईरान के लोगों के लिए हीरो माने जाने वाले जनरल कासिम सुलेमानी की एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी, और यही वजह है कि ये शंका जताई जा रही है कि कहीं रईसी की मौत के पीछे पश्चिमी ताकतें तो नहीं है। अमेरिका ने रईसी की मौत की वजह किसी तरह की साजिश होने से शुरुआती तौर पर इनकार किया है, लेकिन फुल प्रूफ इनकार अब भी बाकी है। जाहिर है शक की बड़ी गुंजाइश अब भी शेष है। साजिश की थ्योरी नंबर चार, ये रईसी थे जिन्होंने हमास का खुलकर समर्थन किया। ये रईसी थे जिन्होंने यमन के हूथी विद्रोहियों को समर्थन दिया। ये रईसी थे जिन्होंने लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन किया, और ये तीनों मिलकर इसराइल को जख्म देते रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि रईसी के अंत में कहीं इसराइल का हाथ तो नहीं। यह तथ्य है कि हमास को ईरान से समर्थन मिलना बंद हो जाए तो गाजा से लेकर रफा तक इसराइल कब्जा कर ले, और यही वजह है कि रईसी की मौत का इसराइल से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इस साजिश को मजबूती देने के लिए कहा जा रहा है कि अजरबैजान में जब रईसी मौजूद थे, उसी वक्त इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उनके हेलीकॉप्टर के साथ छेड़छाड़ की। इसराइल अक्सर अपने दुश्मनों को विदेशी जमीन पर मारने की साजिश रचता है। मोसाद ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देती है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अजरबैजान में मोसाद ही एक्टिव नहीं है, बल्कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड भी बड़ी तादाद में मौजूद है। सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है कि फिर क्या हुआ था रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ? कैसे क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर जिसमें रईसी की मौत हुई? साजिश की थ्योरी नंबर पांच, एक शंका यह भी जताई जा रही है कि रईसी की मौत की वजह इंटरनेशनल नहीं, इंटरनल षड्यंत्र हो सकता है। इधर ईरान में 5 दिन का शोक रखा गया है, लेकिन इस बीच ईरान और इसराइल के कैंप फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसराइल और अमेरिका खामोश हैं। ईरान भी जानता है कि रईसी की मौत पर उसके दुश्मन जश्न मना रहे हैं। ऐसे में इस हेलीकॉप्टर क्रैश ने एक ऐसा तनाव पैदा किया है जिसमें सबकी नजर अब व्लादिमीर पुतिन पर है। मई 2024, पूरी दुनिया में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब होने की खबर ऐसी फैली जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ठीक 3 जनवरी 2020 की तरह, जब ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत ने बहुत बड़े युद्ध का खतरा पैदा कर दिया था।
क्या रईसी की मौत एक बड़े युद्ध की दस्तक है? क्या रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश वर्ल्ड वॉर का लॉन्चिंग पॉइंट है? बात बहुत गंभीर है, क्योंकि एक देश के राष्ट्रपति की मौत हुई है। रईसी की मौत ईरान के अंदर हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हुई और सुलेमानी की मौत बगदाद में अमेरिका के ड्रोन हमले में हुई। 4 साल के अंदर ईरान को ये 2 बहुत बड़े हाई प्रोफाइल सदमे लगे हैं, जिससे ना ईरान के दोस्त अलग रह सकते हैं और ना ही ईरान के दुश्मन। क्या ये वाकई ईरान में सुलेमानी पार्ट 2 है? एक तरफ ईरान की मिलिट्री लीडरशिप पर हमला हुआ और अब ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप का अंत हो गया। जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी सवार थे, उसमें उनके विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला हीना भी थे। यानी प्रेसिडेंट भी खत्म और विदेश मंत्री की भी मौत। ईरान के प्रेसिडेंशियल हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 8 लोगों की मौत हुई है। पूरा ईरान मातम मना रहा है। अब यह हादसा है या साजिश, सवाल लगातार उठ रहे हैं। एक देश के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का ऐसे हादसे में मारा जाना, ये बात किसी के हलक के नीचे नहीं उतर रही। जब गाजा में 8 महीने से जारी इसराइल की बमबारी में 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तरी बॉर्डर पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला इसराइल पर हमला कर रहा है, तब ईरान की लीडरशिप का सीधा मुकाबला इसराइल और अमेरिका से भी हो रहा है। दोनों कैंप एक दूसरे को एक आंख नहीं पसंद करते। एक तरफ बाइडन, नेतन्याहू और उनके नेटो के दोस्त, तो दूसरी तरफ हमास चीफ इस्माइल हानिया के साथ हिजबुल्ला और ईरान की लीडरशिप खड़ी हुई है। इनके साथ रूस भी है और चीन भी खड़ा है। 13 अप्रैल की रात को ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश करके साबित कर दिया था कि पूरे पश्चिम एशिया में वो अकेला देश है जो इसराइल से सीधी टक्कर लेने को तैयार है। 300 ड्रोन और मिसाइल जब इसराइल की तरफ बढ़ रहे थे, तब पूरी दुनिया में ईरान की लीडरशिप की बात हो रही थी। बेशक इसराइल ने ईरान की तरफ से हुए 95% से ज्यादा मिसाइलों ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन रईसी और खामनेई पर पूरी दुनिया का फौरन फोकस हुआ। इस हमले के बाद रईसी ने साफ कहा था कि इसराइल पर अगला हमला बताकर नहीं किया जाएगा और इससे भी 10 गुना तेज और बड़ा अटैक किया जाएगा। तब भी दुनिया 2 खेमों में बट गई। ईरान और इसराइल कैंप आमने सामने आ गया, लेकिन अब इनमें से 2 लोग, यानी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला हिया की मौत हो चुकी है। सवाल है कि क्या यह हेलीकॉप्टर हादसा एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है? क्या यह हेलीकॉप्टर क्रैश वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकता है? ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री उस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो ऐसे दौर के लिए चुना गया जिस पर पूरी दुनिया, खासकर ईरान के दुश्मनों की नजर ज्यादा थी। ईरान के राष्ट्रपति रईसी अपने पड़ोसी अजरबैजान में किज कलासी और खोदा फरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। ये उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है जब रईसी और बाकी लोग उद्घाटन वाली जगह हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। ऐसा कम ही होता है जब ईरान या बाकी देश की टॉप लीडरशिप विमान या हेलीकॉप्टर में साथ चलती है। इस वीडियो में रईसी भी हैं और विदेश मंत्री अब्दुल्ला हिया भी। इस उद्घाटन के बाद वो वापस ईरान के तबरीज शहर की तरफ जा रहे थे। रईसी बेल कंपनी के UE-212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे, लेकिन रास्ते में ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जहां हेलीकॉप्टर गिरा वो जगह तबरीज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जे कान शहर के पास है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर थ्योरी बहुत सी सामने आ रही है। मुतुर के मुशाहिदे मिकोनीन बंदे अलान दकीकन जाई हस्तम के बालगर्द حامل آقای رئیس جمهور و همراهانشون در اینجا دچار سانحه شده. همونطور که میدونین دیروز بعد از افتتاح سد قزغلسی که داشتن میومدن تبریز در همین منطقه در جنگل‌های ارسباران، به خاطر اینکه هوا مهالود بوده بارش باران داشتیم، اینجا دچار سانحه شده. فلحال سب کو در ستا رہا ہے کہ اگر یہ حادثہ نہیں بلکہ رئیسی کا ہیلیکاپٹر کسی سازش کا شکار ہوا ہے تو ایران کیا کرے گا؟ کیا ایران ایسا بدلہ لے گا جو بہت خاموشی سے انجام دیا جائے گا؟ کیا ایران نے بدلہ لینے کا جوابی مشن شروع کر دیا ہے؟ اس وقت پشچم ایشیا پر بہت بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ شاید غزہ میں چل رہی بمباری سے بھی بڑی تباہی دنیا کے اس علاقے کی چوکھٹ پر انتظار کر رہی ہے۔ رئیسی کا ہیلیکاپٹر کریش ہونے کے بعد دنیا کا ریاکشن دیکھیے۔
रूस से व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने इब्राहिम रईसी और हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिया अपने दो दोस्त खो दिए। भारत ने कहा कि इस खबर से हम दुखी हैं। इब्राहिम रईसी ने भारत और ईरान की दोस्ती मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। भारत इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात अपने ट्वीट में भी कही है। मलेशिया ने भी कहा है कि बहुत दुख हुआ। इराक ने कहा कि दुख के इस वक्त में ईरान के साथ है। तुर्की ने भी अफसोस जाहिर किया। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि उसे अफसोस है। कतर ने भी कहा दुख है। पाकिस्तान में एक दिन का शोक रखा गया है। चीन में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ने एक अच्छा दोस्त खो दिया। लेकिन आंसू गाजा के हमास और यमन के हूथी ने भी बहाए हैं और यहीं से रईसी की मौत के बाद अगले कदम का इशारा मिलने लगा है। अगले कुछ दिनों में ईरान के एक्शन से बहुत बात साफ हो जाएगी, लेकिन यह एक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि रईसी की मौत हादसा है या फिर एक ऐसी साजिश जिसके बाद युद्ध पर फुल स्टॉप लगाना मुश्किल हो जाएगा। इब्राहिम रईसी के पूरे जीवन के बारे में अब बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। 1988 में दुनिया का सबसे बड़ा फांसी कांड ईरान में हुआ था। इसमें एक साथ 5000 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। इस फांसी कांड का में फैसला देने वाले लोगों में से एक नाम इब्राहिम रईसी का भी था। इब्राहिम रईसी की मौत की खबर ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इब्राहिम रईसी का नाम उन लोगों में लिया जाता था जिन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता के पद का सबसे बड़ा दावेदार कहा गया। इब्राहिम रईसी की नीतियां अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द थी। इब्राहिम रईसी से अमेरिका की दुश्मनी इतनी बड़ी थी कि इब्राहिम रईसी की मौत की खबर आने के बाद अमेरिका में ट्रंप की पार्टी के एक नेता ने खुशी जताई थी। आखिर मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए इब्राहिम रईसी का रोल इतना अहम क्यों माना गया था कि उनके हेलीकॉप्टर हादसे की खबर आते ही रूस ने अपना बचाव दल रवाना कर दिया और तुर्की भी अपने ड्रोन की सेना लेकर पूर्वी अमेज़न के ज़ोल्फा नाम की जगह पर खोजबीन में जुट गई। इब्राहिम रईसी के राजनीतिक करियर और बेहद फौलादी इरादों का पूरा विश्लेषण हम करने वाले हैं। दुनिया में इब्राहिम रईसी को एक कट्टरपंथी मौलवी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने साल 2021 में ईरान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इब्राहिम रईसी की आक्रामक नीतियों के चलते ही इजराइल और ईरान युद्ध के कगार पर खड़े हो गए थे। इब्राहिम रईसी ने न सिर्फ इजराइल और अमेरिका का जबरदस्त विरोध किया बल्कि ईरान के अंदर उठे हिजाब आंदोलन को कुचलने में भी इब्राहिम रईसी का बड़ा रोल माना जाता है। इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में ईरान के पूर्वी शहर मशहद में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। इब्राहिम रईसी का जन्म एक ऐसे ईरान में हुआ था जब ईरान में राजशाही थी, यानी ईरान में एक ऐसे बादशाह का राज था जिसको दुनिया अमेरिका की कठपुतली कहती थी। 1979 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और ईरान के पहले सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला खामेनेई का जादू ईरान की जनता के सिर चढ़कर बोलने लगा, तब ईरान के ग्रैंड आयतुल्ला के सबसे बड़े शिष्यों में इब्राहिम रईसी का नाम आता है। इब्राहिम रईसी ने ईरान के ग्रैंड आयतुल्ला के कंधे से कंधा मिलाकर ईरान की बादशाही को उखाड़ फेंका था। इब्राहिम रईसी की सबसे खास बात ये थी कि वो इस्लामी कानून के और शरीयत के बहुत अच्छे जानकार थे। ईरान का धार्मिक महत्व का सबसे बड़ा शहर कोम है जहां पर पूरी दुनिया से इस्लामिक स्टडी के लिए लोग आते हैं। इब्राहिम रईसी ने भी कोम से शिक्षा पाई थी। ईरान के प्रसिद्ध मौलवियों से इब्राहिम रईसी ने शरीयत का ज्ञान लिया था। 1979 में इस्लामी क्रांति सफल होने के बाद और ग्रैंड आयतुल्ला के सुप्रीम लीडर बनने के बाद इब्राहिम रईसी का सितारा बुलंद हो गया। 1988 आते आते यानी लगभग 28 साल की उम्र में ही इब्राहिम रईसी ईरान की न्यायपालिका की सर्वोच्च समिति का हिस्सा बन गए। 1989 में इस्लामी क्रांति का विरोध करने वाले ईरान के 5000 नेताओं को जिस समिति ने फांसी की सजा दी थी उसमें इब्राहिम रईसी भी शामिल थे।
साल 2017 में जब इब्राहिम रईसी ने पहली बार ईरान के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था तो वो चुनाव हार गए थे, लेकिन साल 2021 में वो 62% वोट से ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए थे। अमेरिका की सरकार ने लगातार इब्राहिम रईसी की सरकार को परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए धमकाया था, लेकिन इब्राहिम रईसी ने परमाणु कार्यक्रम लगातार जारी रखा और इस वजह से इब्राहिम रईसी अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए थे। इब्राहिम रईसी ने हाल के कई दशकों में ईरान का सबसे बड़ा विद्रोह भी कुचल कर रख दिया था। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान के अंदर एक हिजाब आंदोलन हुआ, इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे और बड़ी संख्या में ईरान के सुरक्षा कर्मी भी अपनी जान गंवा बैठे थे, लेकिन आखिरकार इब्राहिम रईसी ने न सिर्फ इस आंदोलन को कुचल दिया बल्कि इस आंदोलन को खड़ा करने वाले लोगों और आंदोलनकारियों को भी फांसी की सजा दी गई। इब्राहिम रईसी के इन तमाम फैसलों को लेकर दुनिया भर में उनकी निंदा हुई। हैरानी की बात यह है कि एक प्रमुख रिपब्लिकन सांसद रिक स्कॉट ने ईरानी राष्ट्रपति की दुर्घटना का स्वागत किया। स्कॉट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में रईसी के बारे में कहा, उन्हें प्यार या सम्मान नहीं मिला और कोई भी उन्हें याद नहीं करेगा। अगर वो चला गया तो मुझे सचमुच उम्मीद है कि ईरानी लोगों को अपने देश को हत्यारे तानाशाहों से वापस लेने का मौका मिलेगा। आने वाले वक्त में फिलहाल के लिए तो एक तो ईरान के अंदर रिएक्शन देखना होगा कि ईरान की पब्लिक में किस तरह का इमोशनल रिएक्शन आता है। अगर ईरान की पब्लिक इमोशनल रिएक्शन में इसराइल को ब्लेम करती है, चाहे कि कोई तथ्य ना भी हो, तब ईरान की लीडरशिप को शायद कुछ अपना कदम उठाना पड़ेगा दिखाने के लिए भी देखो हम भी कुछ कर सकते हैं, तो एक खतरा फिलहाल है। अमेरिका और इसराइल के अंदर भी ईरान का विरोध करने वाले बहुत सारे लोग इसीलिए राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि इब्राहिम रईसी ईरान के तीसरे बड़े सर्वोच्च नेता बन सकते थे। 3 दिसंबर 1979 से 3 जून 1989 तक सैयद रोहिल्ला खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। इनको ग्रैंड आयतुल्ला भी कहा जाता है, जबकि 4 जून 1989 से सैयद अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। ये माना जा रहा था कि अली खामनेई के बाद इब्राहिम रईसी ही ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता बनने जा रहे थे।